हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइज एकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे ईएमआरएस के आईसीटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 9th। और बताइए कैसे हैं आप लोग, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, पहले से उसे प्लीज़ जाकर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको सारी की सारी पीपीटीज मिल जाएंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो वो होता है बाइनरी में। क्या होता है? बाइनरी फॉर्म में होता है। बाइनरी फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें 0 और 1 की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज लैंग्वेज इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। जब भी हम कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको बनाने में जो लैंग्वेज यूज होती है वो कौन सी लैंग्वेज है? सी है, पीएचपी है, सी प्लस प्लस है, जावा है? बताइए। यह है आपकी जावा, ठीक है। तो जावा बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑट। देखिए, जो सी डी डी वी डी है, ये क्या है? ये मेमोरी डिवाइस है, ठीक है। ये भी और ये भी, ये तीनों क्या है? मेमोरी डिवाइस और हार्ड डिस्क, ठीक है। और बायोस क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? सॉफ्टवेयर है, बायोस। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, याद रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय रैम। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और इसके थ्रू क्या किया जाता है? रीड एंड राइट, ठीक है। ये ऑपरेशन किया जाता है, रीड और राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन ए वीडियो मॉनिटर। देखिए, जो मॉनिटर होता है इसमें स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट क्या होता है? देखिए, ये ठीक है, ये तो मैंने काफी बड़े बड़े बनाए, इसमें से ये बहुत बहुत छोटे छोटे होते हैं, और ये एक, इसको क्या बोलते हैं? पिक्सल बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है क्या? ये होता है पिक्चर एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट को शॉर्ट में बोल देते हैं पिक्सल, ठीक है। तो यही होता है स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीमोस। सीमोस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा, बहुतों ने नहीं भी सुना होगा। देखिए, जब भी आप देखिए सिस्टम आप ओपन करते हैं तो आप नीचे एकदम उसमें आपका डेट और टाइम लिखा होता है, उसके बाद आप यूज करके सिस्टम बंद कर देते हैं। उसके बाद 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 10 दिन बाद भी अगर आप सिस्टम ऑन करते हैं, आपके तुरंत के तुरंत आपका डेट और टाइम एकदम ठीक आता है, एग्जैक्ट वही आता है जो हो रहा होता है। कैसे? तो उसके लिए क्या होता है? एक बैटरी लगी होती है मदरबोर्ड में। कौन सी बैटरी लगी होती है? ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये लगा होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसकी वजह से ही आपका डेट एंड टाइम फिक्स आता है। अगर उसको निकाल दें तो नहीं आएगा टाइम। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज यूज्ड टू मेक कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है सिलिकॉन का। किस चीज का? सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस वर्जन 4 इज इन विच फॉर्मेट, ठीक है। जो आईपी एड्रेस वर्जन 4 है, अब तो 6 चल रहा है, तो किस फॉर्मेट में आता है? वो आता है 32 बिट का। कितने का? 32 बिट का। देखिए, जो आईपी एड्रेस 4 है उसकी बात कर रहा हूँ। ये कैसे लिखा होता है आपका? 192.168.156,
नहीं, ठीक है। और ये चार चार पार्ट में बटा होता है और हर कोई 8 बिट का होता है, ठीक है। तो 8 4 32, ठीक है, 8 4 32, 32 बिट का हो गया। लेकिन जो आईपी एड्रेस 6 है, इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए 6 है, IPv6, इसमें 8 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ईच सेक्शन 16 बिट का होता है, ठीक है। तो 16 8, ठीक है, ठीक है। इतने बिट का हो गया, 128 बिट का हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज्ड इन इंटरनेट? इंटरनेट में किस टाइप की स्विचिंग का यूज किया जाता है? तो इंटरनेट में जब भी आप कोई भी डाटा ट्रांसफर करते हैं तो वो किस फॉर्म में जाता है? वो पॉकेट की पैकेट की फॉर्म में जाता है। किसकी? पैकेट की फॉर्म में। वो डाटा आप ओपन करेंगे, कोई भी चीज़ आपके पास आएगी, तो वो स्विच कैसे करती है? वो पैकेट की फॉर्म में करती है, ठीक। वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स यूज फॉर एक्सचेंजिंग डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। आप थोड़ी दूरी पर बैठे हुए हैं और आपको डाटा कोई भी ट्रांसफर करना है, तो किस किस तरीके से हो सकता है? ब्लूटूथ के थ्रू हो सकता है, वाईफाई के थ्रू हो सकता है, मॉडेम के थ्रू हो सकता है, या सबके थ्रू हो सकता है, बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया, लेकिन होंगे नहीं, ये ब्लूटूथ से हो सकता है। देखिए वाईफाई क्या है? वाईफाई एक इंटरनेट का काम करता है, ठीक है। उसके थ्रू आप कोई भी चीज़ आप ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन आप ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। हु इन्वेंटेड सी प्लस प्लस? तो सी प्लस प्लस को बियॉन स्ट्रोस्ट्रप, क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ठीक है। बियॉन स्ट्रोस्ट्रप, बियॉन स्ट्रोस्ट्रप याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, बियॉन स्ट्रोस्ट्रप बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, स्पेलिंग अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। द टोटल टाइम लैप्स्ड बिटवीन सबमिशन एंड कमांड एंड डाटा टू द कंप्यूटर एंड गेटिंग द रिजल्ट। देखिए क्या था, कंप्यूटर पर कमांड, डेटा जमा करने और गणना का परिणाम प्राप्त करने के बीच व्यतीत का कुल समय, उसको क्या बोलते हैं? मतलब आप कोई भी चीज़ आप क्लिक करते हैं उस पर, और जितनी देर में वो डाटा आपको दिखाता है, उस टाइम को, उस बीच के टाइम को क्या बोलते हैं? एक्सेस टाइम बोलते हैं, एंट्रेंस टाइम बोलते हैं, रेस्पॉन्स टाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है। अगर वो जल्दी से रेस्पॉन्स करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है आपका डब्बा गोल है, ठीक। विच अमंग द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैफिक डायरेक्शन? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ट्रैफिक डायरेक्शन के लिए जिम्मेदार है? तो कौन है वो? राउटर है। कौन? राउटर, क्योंकि राउटर ही क्या करता है, रूट के बारे में बताएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बाकी, क्योंकि स्विचिंग एंड जो हब है, ठीक है, ये स्विच जो और हब है, ये क्या है? ये जंक्शन डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? जंक्शन डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन शो द ग्रिड लाइन इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में ग्रिड लाइन को हम किस विकल्प में देख दिखा सकते हैं? तो ये व्यू के थ्रू दिखा सकते हैं। ग्रिड लाइन को कैसे दिखा सकते हैं एमएस वर्ड में? व्यू के थ्रू दिखा सकते हैं। आप जब इसको यूज करेंगे एमएस वर्ड में तो आपको पता पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सबस्क्रिप्ट? ठीक है, द सेलेक्ट टेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम सारी चीज़ें लिखते हैं तो कई बार केमिस्ट्री में हमें लिखना होता है बच्चों H2O, ठीक है। तो ये क्या है? सी सबस्क्रिप्ट के बारे में लिखा जाता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? ये टू नीचे कैसे लिखेंगे? तो हमें दबाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस इक्वल, ठीक
ठीक है, कंट्रोल प्लस इक्वल, अगर ये दबाएंगे तो आपका ये जो टू है, टू लिखने के बाद फिर उस पर क्लिक करके तब ये कंट्रोल प्लस ये करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये आता है सबस्क्रिप्ट, और अगर ऊपर होता है ये ओवर, ये टू है तो ये कहते हैं ये सुपरस्क्रिप्ट है। ये कैसे लिखेंगे, कंट्रोल प्लस स्विफ्ट प्लस, यहाँ पर प्लस होगा तो वो दबाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ विकिपीडिया, हु इज द फाउंडर ऑफ विकिपीडिया, तो ये पता होगा आपको तो, ठीक है, जिमी वेल्स एंड लैरी सेंगर, जिमी वेल्स एंड लैरी सेंगर। अब देखिए विकिपीडिया में आपको पता है क्या चीज़ होती है, कि सारा कोई भी अपनी आईडी बना के कोई भी आर्टिकल उसके बारे में लिख सकता है, तो कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि उस डाटा में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हम जैसे लोग ही उसमें अपना अकाउंट बनाकर लिखते हैं, तो कभी कभी, हमेशा नहीं, तो उसमें अगर आपको कोई भी डाटा, अगर कुछ भी उसमें गलत दिया हुआ है, तो आपके पास ये अथॉरिटी होती है कि आप अपना अकाउंट बनाएं और उसमें अगर कोई गलती है तो उसको ठीक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। देखिए ईमेल एड्रेस में क्या क्या पार्ट नहीं हो सकता, पीरियड, ये ईमेल में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखाता है, एट द रेट होता ही होता है, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, लेकिन बीच में ईमेल एड्रेस में कभी भी स्पेस नहीं होगा, देखा होगा आपने, स्पेस नहीं होता ईमेल एड्रेस में बीच में, ठीक है, तो ये करेक्ट है। द टर्म PCXT रेफर्स टू, देखिए पर्सनल कंप्यूटर तो है ही है, देखिए पर्सनल कंप्यूटर तो है ही है, जाहिर सी बात है, लेकिन ये क्या है, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, क्या ही है, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ड इंटरप्रेटर रिलेटेड किससे है, किससे संबंधित इंटरप्रेटर, तो इंटरप्रेटर है, देखिए जब भी आप कोई भी चीज कंप्यूटर पे लिखते हैं तो वो किसी और लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज कुछ और होती है, तो चाहे इंटरप्रेटर हो या कंपाइलर हो, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों क्या है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, तो ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर फाइल दैट रिकॉर्ड बोथ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल एक्सेस अटेम्प्ट इज नोन एज, कंप्यूटर फाइल जो सफल और असफल दोनों एक्सेस प्रयासों को रिकॉर्ड करती है, जैसे आप कभी भी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं और उसमें आपने पासवर्ड गलत डाल दिया, एक बार डाल दिया, दो बार डाल दिया, तीन बार डाल दिया, उसके बाद ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो नहीं आपको शो करेगा, वो कहेगा कि आपके अटेम्प्ट खत्म हो गए, तो ये सब चीज़ किसके थ्रू होती है, ये होती है आपकी ऑडिट ट्रायल के थ्रू, किसके थ्रू, ऑडिट ट्रायल के थ्रू होती है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं बार बार करा चुका हूँ, दो वीडियोस में ये क्वेश्चन दिया है और आपको पता ही है, तो सबसे ज़्यादा ये क्या है, ये आपको किस फॉर्म में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, TB की कैपेसिटी होती है, फिर GB, फिर MB और फिर KB, जाहिर सी बात है, तो थर्ड हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हाउ वाज द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासिफाइड, कंप्यूटर की जनरेशन को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, तो क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है, प्रोसेसर के थ्रू किया जा सकता है, ठीक है, बाय द डिवाइस यूज्ड इन मेमोरी एंड प्रोसेसर, इसके थ्रू उसकी पीढ़ी को वर्गीकृत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 मेरी तरफ से आज का लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिक्योरिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग, किसके थ्रू, कंप्यूटर सुरक्षा किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, एंटीवायरस के थ्रू, फायरवॉल्स के थ्रू, या पासवर्ड के थ्रू, तो इसका सही आंसर है सभी के थ्रू, सभी के थ्रू सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है। अब आपके लिए जो प्रश्न है आज का, जो मैं पहले वीडियोस में करा चुका हूँ, ठीक है, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट, इसको क्या बोलते हैं,
ठीक है, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? ठीक है, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, ब्राउजिंग, अटैचमेंट, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक, और उसके बाद द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। जैसी बात है, जैसे आप काम करोगे वैसे ही आपका भविष्य होगा, इसमें कोई कहने वाली बात है नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन भी मिलेगी, वैसे बेल आइकन से भी मिलेगी, लेकिन वहाँ पर अगर PDF है, PPT है या कुछ भी, अगर मैं क्वेश्चन डालता हूँ तो वहाँ आपको मिल जाएंगे, तो हो सके तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।